बड़वानी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन आज बड़वानी जिले के दौरे पर थे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश में हो रही भू माफियाओं पर कार्रवाई, सीएसी और प्रियंका गांधी के मुद्दे पर खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अपराधियों व गुंडों का गढ़ बन चुका था। हम लोग कार्रवाई करके प्लाट और जमीन लेकर एक्चुअल लोगों को दे रहे हैं। सीएसी बिल पर कहा, जो देश और प्रदेश के हित में कानून नहीं होंगे उसका साथ हम कैसे दे सकते हैं। यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए अधिकारियों पर आरोप पर कहा, इंतजार करिए, बहुत जल्द प्रियंका गांधी इन सबको सबक सिखाएगी और बहुत जल्द यूपी में जनता कांग्रेस की सरकार बनाएगी और प्रियंका गांधी सबके सर्वमान्य नेता होगी। देखो, जो अधिकारी अगर कोई किसी को इस तरह के काम करने वालों को, माफियों को अगर कोई संरक्षण देंगे तो आप जानते हैं, अगर जहां कहीं अगर ऐसा पता चला है तो आप उस कार्रवाई को भी देख चुके हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा मेरी तो जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर कोई आपकी जानकारी में इस तरह का कोई अगर है कोई अधिकारी तो आप हमारी जानकारी में लाए और हमारी सब तरफ नजर है और कोई भी कार्रवाई से बच नहीं पाएगा, ये ध्यान रखना। देश के और प्रदेशों के हित में जो कानून नहीं होंगे उन कानूनों का साथ हम कैसा दे सकते हैं। हम और जो संविधानों के और संविधान में अगर कोई छेड़खानी करेंगे और संविधान के विपरीत अगर कोई कानून जाएंगे तो हम उनके पक्ष में कैसे हो सकते हैं। बहुत जल्द प्रियंका गांधी जी इनको सबको सबक सिखा देगी, ये ध्यान रखना। बहुत जल्द प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जल्द बना कर देगी। और ये जिस तरह से जो कर रहे हैं, एक दिन ध्यान रखना कि हमारी जो श्रीमती जो प्रियंका गांधी जी है वो वहाँ की सर्वमान्य लीडर होगी, ये इस बात का आप ध्यान रखना।